धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। कैसी हो तितली? गुड यार। धीरे धीरे रंग उतरेंगे गहरे तेरे चेहरे। तितली इस मंगलवार से रात 11 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। उर्मिला बहन शांत हो जाइए। राशि बहन मैं अंदर टॉर्च डाल रही हूँ। आपको दिख रहा है ना राशि बहन? हाँ मुझे मुझे दिखाई दे रहा है। धवल जी बा और माँ ठीक तो है? वो अकेले हैं या? सासू माँ आप बेफिक्र रहिए, किंजल जी उनके साथ है, वो बिल्कुल ठीक है। सारा मोटा भाई अहम जिगर हो गया कि नहीं? संभल के बेटा संभल के। जी रुक जाइए, मेरे ऊपर मिट्टी गिर रही है, कहीं मैं मिट्टी से दाब ना जाऊं। रुक दो, रुक दो। जिगर जी कुछ मत करिए, मेरी बच्ची को कुछ हो जाएगा। भाई वो सीढ़ी अंदर नहीं जा रही है। मैं अपने हाथ जरा भी नहीं हिला सकती। मैं बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। मोटा भाई जल्दी से फोन तो कीजिए दोबारा उन्हें। भगवान राशि को बचा लीजिए भाई, राजी को बचा लीजिए। जिगर अपने को संभाल। राजी को उनको सीढ़ी से भी निकालने की कोशिश की तो कुछ नहीं हो पाया। ठाकुर जी बचाइए राशि बहू को। ठाकुर जी वाह, आपको अपने ठाकुर जी पे भरोसा है ना? तो बस आप दोनों चुप हो जाइए, बिल्कुल आंसू नहीं बहाएंगे आप, वो मदद करने वाले लोग बस आते ही होंगे। हाँ हाँ, और उनके पास तो पूरी तैयारी होगी। आप बस भी करें, सब ठीक हो जाएगा। नानी आप तो अपने आप को संभालिए। द्वारका देश पर इतना सिरे रक्षा कर दे, रक्षा कर दे। ये क्या तमाशा लगा रखा है? कितने घंटे हो गए हैं लेकिन आपकी रेस्क्यू टीम अभी तक नहीं पहुंची है। प्लीज कुछ जल्दी कीजिए। कोई कुछ नहीं करेगा। अरे आ लो को मारी दिखरी ने सीढ़ी पर से पर बाहर नहीं निकाल सके। राची राची उर्मिला बेन, उर्मिला बेन देखिए आप शांत हो जाइए। उर्मिला बेन
कितनी देर से हैं वो अंदर? लगभग 2 से 3 घंटे। ओहो, तब तो ऑक्सीजन की भी कमी रही होगी। हमें कैसे भी करके इन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालना होगा। राजी, राजी तू ठीक तो है ना? अरे तू जवाब दे, कुछ बात तो कर मुझसे। तू जवाब क्यों नहीं दे रही मेरी बच्ची? आप शांत हो जाइए। आप इस तरह से चीखेगी चिल्लाएगी तो राशि बेचारी और डर जाएगी। चुप! यहाँ मेरी डिग्री खतरे में है और आप मुझे रोने तक नहीं देती। देखिए उर्मिला बहन, आप शांत हो जाइए। राशि को कुछ नहीं होगा, वो ठीक है। मेरी डिग्री ठीक नहीं है और मेहरबानी करके आप मुझे सांत्वना मत दो। देखिए उर्मिला बहन, मैं सांत्वना नहीं दे रही हूँ, बल्कि आपसे ये कह रही हूँ कि आप शांत रहिए, धैर्य रखिए, हिम्मत हौसला रखिए। सबको चिंता है राशि की, मुझे भी चिंता है। झूठ! तुम्हें झूठ बोलो छो, एकदम झूठ। आपको मेरी राशि की कभी चिंता ही नहीं थी और ना कभी रहेगी। आपको मेरी दिक्री कभी पसंद थी ही नहीं, इसीलिए आज ये सब उसके साथ हो रहा है। नहीं उर्मिला बहन, ऐसी बात नहीं है। भाई, भाई शांत हो जाइए। मैं जानता हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, पर आप बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं। सासू माँ को भी देखिए, कितनी परेशान है वो इस वक्त ये सब। अरे चुप! बड़ा आया वेवान जी की तरफदारी करने वाला। जा जाके अपने पुपा जी को फोन लगा और बोल के राजकोट वापस आ जाए। अने जो सांभर, वेवान जी की तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मत पता कि इन्हें कितनी परवाह है मेरी दिकरी की। आज क्या किया इन्होंने? खाक! दिन से रात हो गई पर अभी तक मेरी दिकरी को एक गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पाई। तूने देखा है इनकी आंखों में एक भी आंसू मेरी दिकरी के लिए? चिंता दिख रही है इनकी आंखों में? मामी जी बस, हम चुप हो जा। सारी ना लकड़ी दिख रही, अकेले अंधेरे में पड़ी, उसका कोई नहीं है। मेहरबानी कीजिए और मेरा बेन, अपने आप को संभालिए। आपकी ताकत राशि की ताकत है। हम सबको एक साथ मजबूत होना है, तभी वो अपने आप को संभाल पाएगी। राशि, उर्मिला बहन, मुझ पर यकीन रखिए, कृष्ण भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, आपकी बेटी को मैं सुरक्षित वापस लाऊंगी। मोटा भाभी, देखिए आप ऐसे रोएंगी तो राशि को कौन ढाढ़स बंधाएगा। आप बैठिए यहाँ, हमारी राशि बिल्कुल ठीक होगी, आप चिंता मत कीजिए। माँ, ये राशि की माँ का हो क्या क्या है? इस वक्त पे कैसी बातें कर रही है? उर्मिला बेन आखिरकार एक माँ है। राशि जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। ऐसे में एक माँ का इस तरह से व्यवहार कोई अनुचित बात नहीं है। मैं समझ सकती हूँ उनके दिल पर क्या बीत रही है, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था जब तुम आग की लपटों में घिरे हुए थे और मैं असहाय से तुम्हें देख रही थी। इसलिए मुझे उर्मिला बेन से सहानुभूति है। मैं तो कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि हमारी राशि सुरक्षित बाहर आए।